ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानंद संघ के प्रतिष्ठापकाचार्य हैं। तो सभी भक्तों को उनके बारे में, उनकी जीवन जीवनी के बारे में, सभी कौन के भक्तों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी जीवन और उनका जो मिशन है, जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो अभी जो कंटेम्पररी आचार्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और प्रैक्टिकली इस युग में, मतलब कलयुग के इस सेक्शन वाले युग में, कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है, उसको सही रूप में हम श्रील प्रभुपाद की जीवन से ही समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो मैंने प्रहलाद महाराज की बातें कल की, ध्रुव महाराज की बातें की, तो कुछ भक्त लोग पूछ रहे थे, प्रहलाद महाराज तो इतना बोल्ड प्रचार करते थे और प्रहलाद महाराज ऐसे ऐसे बातें बोल देते थे पिताजी को, अगर हम लोग किन्हीं को बोले तो वहीं पे बहुत बड़ा घमासान हो जाए। तो प्रहलाद महाराज जी महाजन हैं और सभी महाजन एक ही निर्णय लेते हैं भगवान श्री कृष्ण भक्ति करने का और लोगों को उसके प्रति उत्सुक या फिर उसके प्रति इंस्पायर करने का। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो जीवनी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारी किताबों की रचना हुई है प्रभुपाद जी की लीलाओं के ऊपर, है ना। तो उसमें से श्रील प्रभुपाद लीलामृत बहुत ही प्रमुख किताब कही जाती है, क्योंकि श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम लोग उसी किताब से, फ्रॉम द बुक कॉल श्रील प्रभुपाद लीलामृत, वी शैल बी डिस्कसिंग पांच टाइम्स ऑफ श्रील प्रभुपाद इन कॉलेज डेज, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी का कॉलेज कैसा था, उनकी शादी कब हुई, कैसे हुई, और गांधी जी के मूवमेंट में वो कैसे भाग लिए थे, तो ये दूसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। दूसरे अध्याय के श्रील प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन आता है। अच्छा, कितने भक्त लोग यहाँ पे हैं जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत को कभी पढ़े हैं या फिर कभी टच किए हैं? जस्ट I have some desire to know that. No problem. Most of us have not read it. No problem. But still, we should try to just hear for time being. Later on, we can read also. No problem. It's very interesting. Very, very interesting to hear and to read the glories of Srila Prabhupada from Srila Prabhupada Lilamrita. So, childhood wali jo class hai, usme maine bataya tha ki कैसे अभय चरण का बचपन जाता है। वो जन्मजात भगवान श्री कृष्ण के भक्त, अपने पिताजी जिनका नाम होता है श्री गौर मोहंडे, उनके पिताजी का नाम होता है गौर मोहंडे, उनकी माता का नाम होता है रजनी, और उनका जन्म होता है 1896 में, जन्माष्टमी जो है कृष्ण जन्माष्टमी उसके एक दिन बाद, बहुत ही शुभ दिन, नंदोत्सव के दिन श्री प्रभुपाद जी का विवाह होता है। और यह जो साल चल रहा है अभी, श्रील प्रभुपाद जी के विवाह का 125वां वर्षगांठ है। तो सारे संसार में, इस्कॉन वर्ल्ड में स्पेसिफिकली, श्रील प्रभुपाद जी की जो 125वीं वर्षगांठ है ना, उसको हम लोग बहुत ही जोर शोर से मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब आज से 125 साल पहले, तो इस साल से 125 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी का विवाह हुआ था। तो भक्त लोग कुछ कुछ गोल्स ले रहे हैं कि हम इतने लोगों को भगवत भक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो ले।
तो हमें भी कुछ हो सकता है वो लेना चाहिए कि हाँ कम से कम इस बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रत्येक दिन करेंगे इतने महीने। तो आप सबों से निवेदन है कि आप लोग भी 125 वर्षगांठ में कुछ ऐसा आप जो कि श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्लीजिंग हो वो आप अर्पित करें। आचार्य को प्लीजिंग करने मात्र से ही भगवान श्री हरि की सही में कृपा होती है। तो मैंने भी स्टार्ट किया था ये प्रपल लीलामृत की जो क्रम है उसको श्रील प्रभुपाद जी की 125 वर्षगांठ है। तो 1996 के बाद उनका बचपन कटता है। मत्तीलाल सील स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते हैं और अपने घर पे ही वो एक छोटा सा अपना विग्रह श्री श्री राधा गोविंद का वो पापा जी से उनके पापा जो गौर मोहनदेव हैं उनसे मंगवा के लाते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं अपनी छोटी बहन के साथ। तो बचपन में श्रील प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा था, वो परम शुद्ध भक्त थे बचपन से ही। बचपन से ही वो परम शुद्ध भक्त थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी भूले नहीं। तो 1914 से लोग आगे बढ़ते हैं। 1914 में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1914 के समय, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी बस कितने साल के होंगे, 96 से 14 हो सकता है 7 या 8 साल के होंगे। तो सब जगह हड़कंप मच रहा था कि विश्व युद्ध हो रहा है, लेकिन उनको उनसे उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। 1916 में वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं श्री प्रभुपाद जी, जो कि कलकत्ता का एक बहुत ही मशहूर फेमस कॉलेज है स्कॉटिश चर्चेस। तो दो कॉलेज उस समय बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था, एक है प्रेसिडेंसी कॉलेज और एक है स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। तो स्कॉटिश चर्चेस में श्री प्रभुपाद जी का नामांकन करवाया जाता है क्योंकि जो बंगाली जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने पुत्र को हमेशा पास में रख लेते हैं। तो उसी तरीके से गौर मोहनदेव ने सोचा कि नॉर्थ कलकत्ता में कितना अच्छा कॉलेज है, वो हैरिसन रोड के पास में ही है, तो हम वहीं पे पुत्र का नामांकन करवा देते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी का मतलब अभयचरण का स्कॉटिश चर्चेस में घर के पास था, इसलिए गौर मोहनदेव ने वहीं पे उनका नामांकन करवाया। और इस तरीके से गौर मोहन डे के हृदय में हमेशा ये रहता था कि किसी भी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा पुत्र अभयचरण, वो श्रीमती राधा रानी का एक बहुत ही प्यारा सर्वेंट बने, है ना। और वो हमेशा अपनी निगरानी में रखना चाहते थे पुत्र को, लेकिन उनकी माँ का शौक कुछ दूसरा था। रजनी का शौक था कि मेरा बेटा लंदन जाए, वहाँ पर पढ़ाई करे और पढ़ाई करके वहाँ पे बड़ा बैरिस्टर बने। उस समय ऐसे अब आजकल तो उतना रहा नहीं, लेकिन बोल सकते हैं आजकल क्या है कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का बहुत ही शौक है, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बन के देखना चाहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पूरे भारतवर्ष में लोग अपने पुत्रों को वकील बनवाना चाहते थे, एडवोकेट। तो प्रत्येक दौर में है ना ये क्रेज बदलता रहा है। तो लेकिन गौर मोहन डे क्योंकि पिताजी थे तो उनकी चलती थी ज़्यादा, तो स्कॉटिश चर्चेस में उनका नामांकन करवाया गया। तो स्कॉटिश चर्चेस के बारे में शिला सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि इसका स्थापना 1830 में किया गया था। एक व्यक्ति था जो कि स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का प्रिस्ट था, जो जिनका मिशन था कि कैसे पूरे भारतवर्ष में क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। कैसे फैलाया जाएगा, लोगों को एजुकेशन देके, पहले इंग्लिश एजुकेशन देके, है ना, उनके सामने हम लोग अपने आप को एकदम स्टैंडर्ड के रूप में प्रस्तुत करेंगे और लोग अप्रिशिएट करना चालू करेंगे, तो इंग्लिश अप्रिशिएट करेंगे, तो इंग्लिश के थ्रू जो वो साइंटिफिक नॉलेज है ना उससे हम लोग धीरे 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 इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम लोग पूरा फैसिनेट कर देंगे पूरे इंडियंस को, और उसके बाद वो अपने शास्त्रों को भूल जाएंगे धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे उनका एक यह भी ऑब्जेक्टिव था कि कैसे शास्त्रों को बीच बीच में वैदिक शास्त्रों को हम लोग डिमीन करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। तो इसके संस्थापक थे ए डफ, रिवरेंट ए डफ, उन्होंने स्कॉटिश चर्चेस की स्थापना 1830 में की। और
उसके बाद तो इसके बाद बाद सबसे गोस्वामी महाराज बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी उसमें पढ़ने लगे और वहाँ पे वो जो माहौल था बहुत ही अच्छा था, मतलब कि जितने भी वहाँ पे प्रोफेसर थे बहुत ही फ्रेंडली थे और एकदम पिताजी पिता के समान थे और बहुत ही जोवियल थे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं एक प्रोफेसर से मजाक भी किया करता था। तो जितने सारे प्रोफेसर हुआ करते थे वहाँ पे, सब भी प्रोफेसर्स वो बांग्ला अच्छी तरीके से जानते थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी मतलब अभय चरण और उनके दोस्तों ने एक बार प्रैंक्स कसा, मतलब कि एक बार मजाक किया एक प्रोफेसर से जो कि स्कॉटलैंड का था। तो बांग्ला में बोला उन्होंने, कुछ मजाक दिया कि इस व्यक्ति को देखो यह कैसा खर्चीला व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ जवाब नहीं मिलेगा उधर से। तो प्रोफेसर ने घूम के फट से बांग्ला में जवाब दे दिया, तो सभी की खड़ी रह गई। तो हम लोग समझ सकते हैं कितना उन्होंने स्ट्रैटेजिकली पूरे भारतवर्ष में राज्य करने का उन्होंने ऐसा सोचा और बहुत बहुत मेहनत की, हमारी भाषा को सीखा जिससे कि हमारे ऊपर राज कर सके। तो उसी क्रम में एक बार की बात है, अमृतलाल बोस करके व्यक्ति थे जिनका ये चलता था, ड्रामा पार्टी चलता था, थिएटर। तो श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण को मौका दिया गया उस थिएटर में भाग लेने के लिए और उस ड्रामा का नाम था जिसको डायरेक्ट कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की पांच टाइम्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और उसमें श्रील प्रभुपाद को बनाया गया था क्या, अद्वैत आचार्य। और पूरे 1.5 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया था। अमृतलाल बोस ने बोला था कि आप लोग कभी भी कहीं भी जब तक कि मैं हाँ नहीं बोलूं तब तक आप कहीं भी इस ड्रामा को आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1.5 साल के बाद जब उन्होंने अभिनय किया अभय चरण में अद्वैत आचार्य के रूप में थे, तो सारी जनता जो देख रही थी कलकत्ता में रो रही थी बस श्री चैतन्य महाप्रभु की 5 टाइम को देख के। अभय चरण को लगा कि ये रो क्यों रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा लोगों से कि कैसा था, तो उन्हें लग रहा था कि एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जैसा महाप्रभु ने लीलाएं की वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो कि अद्वैत आचार्य के रूप में वहां पे अभिनय कर रहे थे, वही अद्वैत आचार्य जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी करुण गुहार से गोलोक वृंदावन से नीचे लेके आए, वही आगे चल के कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रणेता बनने वाले हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार पूरे विश्व भर में करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी का इस तरीके से जीवन, मतलब जो कॉलेज लाइफ था इस तरह से आगे बढ़ रहा था। और कई बार है ना कि उनके साथ बातें हो जाया करती थी श्रील प्रभुपाद जी की, जितने प्रोफेसर थे, क्योंकि वो हमेशा ये इस तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित करते बताते कि लोगों को स्टूडेंट्स को लगता उनको लगना चाहिए कि वैदिक नॉलेज जो है वैदिक शास्त्र जो है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इट्स लाइक रग डाउन थिंग और समथिंग लाइक दैट। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का बचपन से ही वैदिक शास्त्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फेथ था। तो इंग्लिश वर्क इन इंडिया बाय घोष, सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन टू रेसेस, एक बुक उस समय उन्होंने चलाया था। एक इंडियन राइटर है जिसका नाम है मिस्टर घोष, और उसने लिखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग आई मीन सोशल जो कस्टम है ना, कास्ट सिस्टम, उसको कैसे, वो कितना खराब है। पहले तो कास्ट सिस्टम ऐसा कुछ है नहीं, वर्णाश्रम धर्म है। तो इसको लेके उन्होंने एक बुक लिखाया था, बुक बनवाया था और उसको वो पूरे कॉलेज में पढ़वा रहे थे कि उस इससे क्या हो कि अपने ही सिस्टम के ऊपर लोगों का जो फेथ है ना वो कमजोर पड़ जाए और स्वतः ही हम उसके बाद इनके ऊपर राज्य कर पाएंगे और इन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसी थी उनकी स्ट्रेटजी। तो पूरे कॉलेज में पढ़ाई का हमेशा माहौल
अच्छा गर्मा गर्म रहता था। उसके कारण क्या है कि अभय चरण के जो बचपन के जो दो विग्रह थे, एक ही विग्रह जो राधा गोविंद जी थे, उनको वो धीरे 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 भूल रहे थे। उनको एक संदूक में एक बॉक्स में डाल के छोड़ दिया था और बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे। तो इस तरीके से उनका पूरा बिजी हो जाने के बावजूद भी हमेशा जो राधा गोविंद का जो विग्रह है ना, वो हमेशा उनको याद आते रहता। अभय चरण को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो मिस कर रहे थे कॉलेज में। और उस समय उन्हीं के कॉलेज में, उसी कॉलेज में, स्कॉटिश चर्चेस में, उनके एक साल सीनियर थे मोस्ट फेमस ऑफ बंगाल एंड इंडिया एंड ही इज वेल फेमस एज नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस श्रील प्रभुपाद जी के कॉलेज मेट थे, मतलब कि बस एक साल सीनियर थे। तो वो सुभाष चंद्र बोस उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एक बगावत कर दी। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को लेके उन्होंने कॉलेज के अगेंस्ट ही पूरा बगावत कर दिया था। तो इसके कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज वालों ने बोस को वहाँ से भगा दिया, मतलब कि उनको सस्पेंड कर दिया और नाम सब कटवा के बाहर रख दिया। तो उसके बाद वो स्कॉटिश चर्चेस आए, तो स्कॉटिश चर्चेस वालों को पता था कि ये बोस जो है पूरा क्रांतिकारी टाइप का है। तो उसको वहाँ पे एक दूसरे यूनियन का, कल्चरल यूनियन का, उन्होंने वहाँ पे चेयरमैन बनाया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उससे बहुत ही प्रभावित थे, अभय चरण से बहुत ही प्रभावित थे। उनको उनकी जो क्रांतिकारी जो शैली थी स्वराज प्राप्त करने की, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। बाद में भी अपने शिष्यों के सामने वो बोलते थे कि गांधी ने क्या किया है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है सुभाष चंद्र बोस को, जिसने उन ब्रिटिशर्स के नाक में पानी कर दिया था। जापानियों के साथ वो मिलके जब वो आक्रमण किए थे, तो उसके कारण अंततोगत्वा ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद गांधी का जो मोमेंट था वो बहुत ही सर्ज पकड़ रहा था। और गांधी जी का जो मेन मोटो था, मतलब कि क्या बोलते थे उसको, बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट करो, जो भी कुछ ब्रिटिशर्स ने दिया है सब कुछ बायकॉट करो। सबसे बड़ी उनकी जो क्लॉथ इंडस्ट्री थी, जिसके कारण उन लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, यहाँ से एकदम सस्ता दर में कपास ले जाते थे और वहाँ पे कपड़े बनाते थे ब्रिटेन में, लंकाशायर मिल्स में, और वहाँ से लाते थे और यहाँ पे बहुत ही ऊँची दाम पे बेचते थे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फर्निशिंग कपड़े होते थे जो लोग यहाँ पे पसंद करते थे और ज़्यादा पैसा दे खरीदते थे। और इसके कारण पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था भारत के नीचे जा रहा था, लोग गरीब हो रहे थे और ब्रिटेन और भी ज़्यादा अमीर हो रहा। तो गांधी जी ने बोला कि जो कुछ भी ब्रिटेन से आता है सब कुछ हम लोग बायकॉट करेंगे, हम लोग कपड़े खुद बनाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण को ये जो मोमेंट है ना, बहुत ही अच्छा भाया। यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी सारे कॉलेज हैं, जो भी डिग्रियाँ दे रहे हैं ना, उसको सभी लोग बायकॉट करें, नहीं दें। तो अभय चरण उस क्रांतिकारी जो जत्थे में भी भाग ले लिए, गांधी जी की जो विचारधारा है उसमें वो निकल गए। और उन्हें मन बना लिया कि स्कॉटिश चर्च जो बीए का डिग्री मुझे देगा उसको मैं लूंगा नहीं, है ना, उसको मुझे नहीं लेना। लेकिन गौर मोहनडे को चिंता होने लगी कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा फ्यूचर। तो उस समय भी एक तरह का जो भय है ना, पुराना भय बना दिया गया था कि आप डिग्री करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। ये 17वीं शताब्दी से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था कि आप ये वाली डिग्री करेंगे तो जॉब मिलेगा, आप खुद अपने से कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उस समय भी वैसा भय इतना ज़्यादा फैल चुका था कि गौर मोहनडे को भी डर लग रहा था कि मेरे बेटे का क्या होगा अगर वो डिग्री नहीं लेगा तो। हाँ, तो अंततोगत्वा डिग्री श्रील प्रभुपाद जी नहीं लेते हैं, तो ये कहानी से बाद में आती है। तो बीच में ही उनकी जितने भी बहनें होती हैं, तीन बहनें होती हैं अभय चरण के, उनकी शादी होती है। और सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि उनकी शादियां होती है 9 साल में, 11 साल में और 13 साल में। बताइए उस समय इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी। क्यों? क्योंकि
ये क्या बाल विवाह या फिर शोषण था? नहीं, बल्कि एकदम प्रॉपर जो मैरिज है ना वो था। कोई 11 से 12 साल में क्या ना कि जितने भी महिलाएं हैं उनकी प्यूबर्टी की स्तर आ जाती है, और उस समय वो चाहते हैं कोई मेल कंपेनियन, तो उस समय ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। भले ही वो शादीशुदा जीवन तुरंत ही स्टार्ट ना करें, फिर भी उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में एक व्यक्ति, एक मेल व्यक्ति रहता है, जिसके कारण वो पतन से बच जाते हैं, इधर उधर घूमने से बच जाते हैं। लेकिन अभी की स्थिति क्या हो गई है कि लोग स्पेसिफिकली गर्ल्स दे स्टे अनमैरिड फॉर मैनी मैनी ईयर्स, 25 साल 30 साल तक अनमैरिड रहते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि उनका ऑलरेडी पतन हो चुका होता है और वो चेस्ट नहीं रह पाते, अचेस्टिटी नहीं रह पाती। उसके कारण क्या होता है कि उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है, या फिर उनमें सही रूप से वैसे गुण नहीं रहते, डिमोनिक क्वालिटीज आ जाती हैं उनके अंदर। तो फिर और भी जो पूरा सोसाइटी हो पतन की तरफ जाता है। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के साथ आता है एक बहुत ही अच्छा एपिसोड आता है जगन्नाथपुरी का, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि बचपन से हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं सियालदह स्टेशन या फिर हावड़ा स्टेशन पे जाऊंगा और वहां पे देखूंगा टाइम टेबल में किस समय में वृंदावन और जगन्नाथपुरी की ट्रेन जाती है। उनका बहुत ही बड़ा एक एस्पिरेशन रहता है कि मैं जगन्नाथपुरी और वृंदावन एक बार जाना चाहता हूँ। तो जब वो थोड़े बड़े हो गए 1920 में, तो फाइनल का एग्जाम देने के बाद, बीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद, वो एग्जाम हो गया तो कूल है ना, अब थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं, है ना। भक्त वैसे भी स्पेसिफिकली ऐसा ही करते हैं कि एग्जाम हो जाने के बाद थोड़ा घूम आते हैं, चलो थोड़ा घूम के आए। तो यूजली जो जिन्हें पता नहीं है कहाँ घूमना चाहिए वो शिमला या फिर कहाँ कहाँ घूमते हैं, लेकिन भक्त लोग अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के का स्मरण हो, श्रद्धा मायापुर कितना रमणीय जगह है, और जगन्नाथपुरी, श्री वृंदावन। उस तरीके से प्रभुपाद जी भी 1920 में बीए फाइनल एग्जाम को देने के बाद वो जगन्नाथपुरी की ट्रेन पकड़ के जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां पे उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की विग्रह वहां पे पहले से ही वहां पे विद्यमान है, जो कि उनके हमेशा दिल में बसते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और हर जगह श्री चैतन्य महाप्रभु का जो डिवोशनल सिग्नेचर है पूरे जगन्नाथपुरी में हर जगह उनको मिल रहा था। तो एक तरफ नेशनलिज्म है, एक तरफ भगवद गीता है, एक तरफ जगन्नाथ है, तो उनके मन में कुछ चल रहा था कि क्या है, क्योंकि विच वन शुड बी गिवन प्रेफरेंस, क्या भगवान श्री कृष्ण का प्लान है। उन्हें थोड़ा सा वहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था। तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो इधर में उनकी शादी अब हो चुकी थी, तब तो जब बीए में थे, बीए फर्स्ट पार्ट में ही थे, तो उनकी शादी हो गई थी एक बहुत ही कुलीन घर की एक बेटी जिसका नाम था राधा रानी दत्ता, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद अभयचरण ने अपने पिताजी को बोला कि यार पापा आप है ना अपने शादी तो करवा दे, लेकिन जिनसे शादी हुई है उसे पसंद नहीं मुझे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो उस समय दूसरी शादी भी लोग किया करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल नहीं था, पहले के ज़माने के लोग ऐसे क्या मतलब कि दूसरी शादी भी करते थे। नहीं अभी तो दूसरी शादी मतलब कि वो मेंटेन रख पाते थे दोनों पत्नियों को, है ना, जितने भी शादियां करते थे वो मेंटेन रखते, ऐसा नहीं कि किसी को डाइवोर्स दे दिया फिर तीसरी जगह पे गए फिर चौथे को डाइवोर्स दे दिया पांचवी जगह पे, ऐसा नहीं था। इवन माय फादर आल्सो हैड मैरिड ट्वाइस, आई हैड टू मदर्स, सो द ओल्ड पीपल दे हैड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इधर रजनी को उनके सहेलियों ने, और मतलब कि जब वो घर पे ही थे अपने घर पे मायके में, तो बहुत लोगों ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना अभयचरण, वो गया जगन्नाथपुरी, वो गया मतलब कि वो गया, वो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, वो सन्यासी बन जाएगा। तो बहुत रोती थी,
छोटी बच्चे की थी और वो रो रही थी। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक अनूठा चीज होता है। गौर मोहन डे एक व्यक्ति का एड्रेस देते हैं अभय चरण को कि आप जाओ जगन्नाथपुर में, वहां पे इस व्यक्ति के पास आप जाना है, वहां पे आपको सारी व्यवस्था ये कर देंगे। तो उनके पास वो गए मिलने के लिए। तो वहां पे जब पहुंचे उसके बाद उन्होंने खाने के लिए कुछ दिया, अभय चरण आप कुछ खाइए। तो जगन्नाथपुरी का प्रसाद है, जगन्नाथपुरी का प्रसाद जब दिया तो उसके नीचे देखा कि वहां पे कुछ अजीब जैसा कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल्स जैसे थे। तो उनको लगा कि ये क्या है। तो वहां पे देखा तो वो क्या है, वो तो मांस है अमेद्य और मछली भी है। अभय चरण पूरे जीवन में कभी ये सब कभी देख भी नहीं सकते थे, उनको जन्म जात वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही खाते थे देते थे। जब उनको ये दिखाई दिया कि ये क्या है तो उन्होंने इतना गुस्सा होके उनको बहुत जोर से चिल्लाया कि आप क्या है, आप लोग जगन्नाथपुरी में रहते हैं और जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है उसके साथ आप मछली मिला के खाते, मैं नहीं रहना आपके घर पर। तुरंत उन्होंने अपना बैग उठाया निकल गया कहीं दूसरी जगह। और जितने दिन रहे उसके बाद से वो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना उसके अंदर में लगभग 24 घंटे में 18 घंटे आपको प्रसादम मिलेंगे, जितना आप खा सकते उतना मिलेंगे। उस जगह का नाम है आनंद बाजार और वहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है वो सिर्फ और आनंद ही आनंद में रहता है और उल्टुक छक के प्रसाद खा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता था कि आनंद बाजार में है ना जाएंगे तो वहाँ पे प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो कई भक्तों के साथ गए होंगे जगन्नाथपुरी, तुमको पता होगा आनंद बाजार का आनंद का आनंद कैसा होता है। तो आनंद बाजार में जाके अभय चरण वहाँ पे प्रसाद लिया करते थे। उसके बाद उन्होंने कभी, और ये जो स्थिति है उस समय बहुत ही उनके लिए बहुत ही शोभनीय थी कि सनातन धर्म वैष्णव धर्म का कैसा पतन हो गया कि ऐसे ऐसे लोग जगन्नाथ का महाप्रसाद के साथ मछली खाते हैं। उनके मन में बहुत ही घृणा ऐसा लग रहा था और उनके हृदय में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ हमें धर्म का जो ये क्या बोलते हैं धर्म की ग्लानी ही है को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो अभय चरण जगन्नाथपुरी से फिर से लौट के आते हैं। फिर उसके बाद उनका जो सर्टिफिकेशन सेशन है जिसको बोलते हैं कन्वोकेशन वो होता है और उसमें वो नहीं जाते हैं, गौर मोहन डे नहीं जाते हैं। उसके बाद गौर मोहन डे को चिंता होती है कि पता नहीं क्या होगा मेरे पुत्र का, इस स्थिति में उसको जॉब कैसे मिलेगी। तो उनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है बोश, और वो बोश लेबोरेटरी करके एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन खोले होते हैं केमिकल इंडस्ट्री, और वो गौर मोहन डे के बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं डॉक्टर बोस। याद होगा डॉक्टर बोस ही थे जिन्होंने बचपन में श्रील प्रभुपाद जी को अभय चरण को वो दवाइयाँ दी थी टाइफाइड को हटाने के लिए, और उसने बोला था कि इसको चिकन का सूप पिलाओ। चिकन का सूप जब जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी पीने के लिए आगे बढ़े वैसे ही उन्होंने वोमिट कर दिया सब कुछ और गौर मोहन डे ने भी उसको तुरंत फेंक दिया। तो यही डॉक्टर बोस थे, और यही डॉक्टर बोस हैं जिन्होंने पहली मेडिसिन कंपनी भारतवर्ष में खोली थी कलकत्ता में, और यही कंपनी आगे बढ़ के बंगाल केमिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है अभी भी और बहुत सारी केमिकल्स बनाती है, बहुत सारी मेडिसिन बनाती। तो डॉक्टर बोस के पास गए, उन्होंने बताया, गौर मोहन डे ने बोला कि मेरा एक बेटा है अभी बीए पास किया है और आप उनको कुछ जॉब में ले लो बहुत ही अच्छा है। और ऑफकोर्स अभय चरण तो उनका घर का ही व्यक्ति था, एक तरीके से बचपन से उन्होंने देखा था अभय चरण को सब कुछ। तो इस तरीके से अभय चरण डॉक्टर बोस की कंपनी में एक बहुत बड़े यूनिट के सुपरवाइजर के रूप में वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, और साथ साथ में वो गांधी मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिए होते हैं, वो बीए का जो डिग्री है उसको बायकट करके। और इसके बाद की जो पांच टाइम्स है लोग अगली बार कभी चर्चा करेंगे। तो आज हमने श्रील प्रभुपाद जी की कॉलेज के पास टाइम्स के बारे में सुना, गांधी जी के मूवमेंट में कैसे उन्होंने भाग लिया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिक्षणीय यही है कि श्रील प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी फ्रॉम बर्थ। श्रील प्रभुपाद इज द प्योर डिवोटी फ्रॉम बर्थ एंड ही केम इन सच ए कंडीशन, ही वाज नोइंग व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड हाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ सनातन धर्म। व्हेन इट टोल्ड टू बी सनातन धर्म मीन्स धर्म ऑफ लिविंग एंटिटी, दैट्स कॉल्ड वैष्णव धर्म। उनकी वो कैसे स्थापना करें, कैसे इसका डिटोरिएशन हो रहा है, तो हमेशा उनके मन में रहता था। और श्रील प्रभुपाद जी की जो स्पिरिचुअल कैरियर है उसमें उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उसे देख रहे हैं गौर मोहंडे कितनी तन्मयता से उनका पालन पोषण किए गौर मोहंडे, और हमेशा चाहते थे कि मेरा पुत्र श्रीमती राधा रानी का एक बहुत ही प्रिय सर्वेंट बनेगा। तो हम लोग अगली बार फिर चर्चा करेंगे आगे की लीलाओं के बारे में। तब तक के लिए यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आज की कक्षा को। हरे कृष्णा।